मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अभी बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बॉलीवुड से एक और खबर सामने आई, ऋषि कपूर का निधन हो गया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 67 साल के ऋषि कपूर ल्यूकीमिया से पीड़ित थे और बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती किया गया था और गुरुवार की सुबह 8:45 पर ऋषि कपूर ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि ऋषि कपूर फिल्म अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। सन 1970 में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें फिल्म बॉबी के लिए सन 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ऋषि कपूर के निधन के बाद उनके दोस्त, रिश्तेदार और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। 29 अप्रैल को हिंदी सिनेमा के एक्टर इरफान खान के निधन के ठीक एक दिन के बाद 30 अप्रैल को ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बैक टू बैक दो दिग्गज अभिनेताओं को गवा देने से फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऋषि कपूर आज ही पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। फिलहाल ऋषि कपूर का शव मरीन लाइन्स के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।